गुड मॉर्निंग भाई लोग। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग तैयार हो गए हैं, भैया भी तैयार है। और आज का दिन हम लोग का 303 किलोमीटर का राइड है और भद्राचलम में अपन अभी और जाएंगे कहाँ, ओंगुल। तो पहले भद्राचलम का मंदिर दर्शन करते हैं और आपको भी ले चलते हैं, है ना। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। ओके, तो सामान वामान छोड़ के जाएंगे। सामान छोड़ के जाते हैं सर। तो चिंतामणि भैया आ रहे हैं। हेलमेट कहाँ है आपका? चलिए चलिए। तो यहाँ से 1 किलोमीटर का है जहाँ पर अपन रुके थे, ग्रैंड इन। यहाँ से 1 किलोमीटर का सफ़र है भद्राचलम मंदिर का। तो यहाँ सिटीज़ के बीच से होते हुए चल रहे अपन। रास्ते जो है अलग ही दिख रहा है, एकदम लग रहा दूसरे दुनिया में आ गए। मज़ा आ रहा है पूरा। AP TS तेलंगाना है। यहाँ किसी को हिंदी आता नहीं अच्छे से। और होटल के जो स्टाफ है उसको तो ले दे के कल समझाए। हमारे एक बड़े भैया कृष्णा भैया, उनके फ़ोन करवाया तब जाके वो समझे कि हमको क्या लेना है डिनर में। समझ ही नहीं रहे थे। तो अभी अभी हम लोग भद्राचलम मंदिर पहुँचे और ये पूजा के लिए एक भगवान जी, भगवान राम जी का, एक हनुमान जी का, तो दो नारियल चढ़ता है यहाँ पर। यहाँ से भी शायद 500 मीटर अंदर है। तो यहाँ जो मान्यता ऐसा है कि जब राम जी और सीता मैया वनवास काट रहे थे तो वनवास के समय यहाँ पर रुके थे। और ये भी मान्यता है कि यहाँ से सीता मैया का अपहरण जो हुआ था यहीं से हुआ था। तो ये जो मंदिर है ये स्टॉप में है। यहाँ से कुछ 50 सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए थे हम लोग। और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है ना मोबाइल अलाउ है, तो अंदर का शूट नहीं ले पाए। तो चलते, आज का सफ़र यहाँ से 6 घंटे का सफ़र है। तो मंदिर का दर्शन हो गए हम लोग का, रिटर्न टू होटल। होटल से निकलेंगे सीधा ओंगुल के लिए। पहले जैसे आप चिंता दिया, मेरे घर आके इसको फिट किया था। अभी 5 मिनट लगा बस। यहाँ भद्रातलम में रहते हो? हाँ, थैंक यू। तो हम लोग अभी होटल से निकल चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया, 12:30 बज गया है। वो इंटरकॉम की वजह से आधे से 1.25 घंटा लेट हो गया। आपस में पेयर नहीं हो रहा था। हो जाएगा कार्ड पेमेंट फुल टैंक। तो गाड़ी एकदम खाली हो चुका था। तो ये तीसरा जंक्शन है जहाँ पर अपन पेट्रोल डला रहे। अब यहाँ से सीधा निकलेंगे ओंगुल। हम लोग 12:30 बजे निकले थे, अभी 1:30 बज रहा है। और 1 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर हम लोग आ पाए हैं, क्योंकि सिटी बहुत जाम था। भद्राचलम के बाद 2-3 सिटी क्रॉस की है। अब तेलुगु में लिखा था, हम पढ़ तो नहीं पाए। तो अभी जाके हमको ये टोल रोड मिला है, तो यहाँ से जो है रोड कवर करेंगे। मूवी जैसे देखते हैं अपन पिक्चरों में वैसे दिख रहा है, है ना भैया? हाँ, हम लोग साउथ में ही है। एक नंबर रोड है। आप जैसे कल का वीडियो देखे, हम लोग रायपुर से निकले
और अभी तक का उसको लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल जाके कीजिए उसको, क्योंकि आगे का सफ़र और मज़ेदार होने वाला है और तिरुपति में हमारे साथ कोई और ज्वाइन करने वाला है, तो वो सरप्राइज है। काफ़ी लेट हो चुका है, अभी 5 बज रहा है, हम लोग 5 बजे विजयवाड़ा पहुँचे हैं जबकि ये हमको 4 बजे पहुँचना था, तो 1-1.5 घंटा पीछे चल रहा है। वेलकम टू विजयवाड़ा, सामने बोर्ड भी दिख रहा है आपको। ये नहीं नहीं हुआ, यहाँ से 150 किलोमीटर का राइड और बचा जो कि 2 घंटा 50 मिनट दिखा रहा है, 8 बजे दिखा रहा है, 8 बजे टाइमिंग। तो हम लोग विजयवाड़ा सिटी क्रॉस कर रहे हैं अभी, रोड तो काफ़ी अच्छा था लेकिन एक जगह रुक गए थे। ये पहले ट्रैफिक पुलिस मिला जो हमको चौक में रोका है, पूरा तेलंगाना क्रॉस करके आए, कहीं पर रेड क्रॉसिंग नहीं, कहीं ट्रैफिक नहीं, सब अपने हिसाब से गाड़ियाँ, देखो गाड़ी आर पार कर रहे थे। ये पूरा सिटी क्रॉस कर रहा है, हाँ ये सिटी के ऊपर से जा रहे हैं हम लोग, अभी विजयवाड़ा नीचे है, अभी अपन सिटी के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, बाईपास रोड है जो कि पहाड़ों से लगा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, समुद्र दिखाते हैं आपको आगे, पूरे मेरे लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, पूरा पहाड़ से लगा हुआ है रोड और राइट हैंड साइड एक बड़ा झील है और उसके बीचों बीच ये शानदार नज़ारे। हाँ एक नंबर, पूरे पानी के ऊपर से चल रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ बहुत बड़ा झील है राइट में, बहुत बड़ा झील है राइट में, देखो बहुत बड़ा झील, पूरा ट्रेन के लिए ओवरब्रिज भी बना हुआ है, ट्रेन आर पार होता है। हाँ नदी है, नदी झील नहीं है, नदी है, सॉरी सॉरी, कौन सा नदी है कमेंट करके बताओ। विजयवाड़ा में भी काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग है जैसे आपके लेफ्ट हैंड में देख रहे हो, और मेरे राइट हैंड में पूरा पहाड़, और हम बीच से निकल रहे हैं। थोड़ा सा हमारा गाड़ी इस बार माइलेज कम दिया है क्योंकि हाईवे देखते हुए हम लोग ने काफ़ी तेज़ भगाया, 120-130, मेरी गाड़ी 140 तक भी गया, तो 70-80 किलोमीटर का एवरेज कम दिया है। कोई नहीं, कभी कभी होता है। कभी अभी हम लोग क्रांति भाई से बात किया है, पहले उनके शॉप चलते हैं और यहाँ से उनका शॉप कम से कम 22 किलोमीटर की दूरी बता रहा है और उसके बाद वहाँ से 2 किलोमीटर होटल।
मैं पहुंच गया हूँ गुल। 7:18 हुआ है और क्रांति भाई कौन है बोले तो यही है क्रांति भाई। सुबह तो लोग परेशान है, क्रांति भाई कौन है जिससे मिलने अंगुल जा रहे। हम पहुंच चुके हैं क्रांति भाई के शॉप पे अंगुल में और यहां से अपन चलेंगे 1.5 से 2 किलोमीटर होटल। ये उनके पापा है और क्रांति भाई हाय कर दो यार सबको देखेंगे। तो क्या है काफी नाम लिए रास्ते भर में क्रांति भाई क्या जा रहे करके। तो चलते हैं होटल चले। हाँ चलो होटल निकले अभी अपन होटल के लिए और हम लोग क्लास 1 से क्लास 10 तक जो है ना 7 पढ़ाई किए हैं सेंट्रल स्कूल रायपुर में केंद्रीय विद्यालय। तो काफ़ी यादें जुड़ी हुई है बचपन के। अभी हम लोग रूम आ चुके हैं और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अंगुल में रुके हैं और हमारे जो चाइल्डहुड फ्रेंड है क्लासमेट जो क्लास 1 से क्लास 10 तक पढ़े हमारे साथ वो हमारे लिए अभी भोजन का व्यवस्था करने गए हैं और भैया जी नहा लिया है। Yes, और मैं नहाया नहीं हूँ तो मैं फ्रेश होता हूँ तब तक यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। हाँ टी शर्ट है 2-3 का मेरे पास। तो कल का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा थकने की वजह से क्लोज नहीं कर पाया था तो मैं बोला आज भी ऐसा ना हो जाए तो चलिए वीडियो को क्लोज किया जाए। यहाँ तक का सफर है मतलब नहीं आगे तक का सफर और है अभी तो बहुत बचा है तो बंद किया जाए। बिल्कुल बंद किया जाए कैमरा। टू बी कंटिन्यू दर्शन कराएंगे मंदिर का दर्शन तो कराएंगे बाहर से जरूर। तो चलिए मिलते हैं गुड नाइट टेक केयर बाय बाय।